आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। डेमोक्रेसी के फोर्थ एस्टेट कहलाए जाने वाले प्रेस एंड मीडिया को मौजूदा दौर में मुख्तलिफ हुकूमतों की जानिब से नज़रअंदाज किया जा रहा है। कोविड-19 जब से आया है, जहां पर डॉक्टर्स और पुलिस डिपार्टमेंट फोर फ्रंट पर काम कर रहे हैं कोरोना से लड़ने के लिए, वहीं मीडिया भी इन दोनों से कम नहीं है। मीडिया के नुमाइंदे भी ताज़ा तरीन अपडेट्स देने के लिए उन खतरात को मोल ले रहे हैं जो कि हॉस्पिटल्स और कोविड सेंटर के करीब पाए जाते हैं। इसके बावजूद हुकूमतें जो डॉक्टर्स को और पुलिस डिपार्टमेंट को सहूलियात मुहैया करा रही है, वहीं पर मीडिया को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया है। हालांकि डॉक्टर्स की सहूलियात में और पुलिस डिपार्टमेंट की सहूलियात में भी कहीं ना कहीं कोताही हो रही है, जिसकी वजह से ये लोग भी कोविड से मुतासिर हो रहे हैं। मगर चूंकि मीडिया को इस लिस्ट में शामिल ही नहीं किया गया, कोई सहूलियात मुहैया नहीं की गई, ना तो फेस मास्क, ना तो PPE, ना तो सैनिटाइज़र, जिसकी वजह से जो मीडिया के नुमाइंदे ऐसे जगहों पर जा रहे हैं वो कोविड का शिकार हो रहे हैं। चुनांचे हाल ही में TV5 से जुड़े एक नौजवान सहाफ़ी मनोज कुमार की कोविड से मौत वाक़ हुई। पहले तो प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं लिए गए और ना उसे कोई किट्स फराहम की गई। उसके बाद जब वो दवाखाने में शरीक होता है तो मुख्तलिफ लापरवाहियों की वजह से वो मौत का शिकार हो जाता है। इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने एक रोज़ा भूख हड़ताल का अहतमाम किया हैदराबाद के प्रेस क्लब में, जहां पर इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के नेशनल प्रेसिडेंट डी श्रीनिवास रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र रेड्डी के अलावा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर MA माजिद और अमरनाथ, तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट N शेखर और जनरल सेक्रेटरी K विराहत अली, स्टेट सेक्रेटरी हबीब अली अल जीलानी और उसी की हैदराबादी शाख हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर मोहम्मद रियाज अहमद और जनरल सेक्रेटरी शंकर गौड़, इन सब के अलावा तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन उर्दू जर्नलिस्ट फोरम के नाम से जो जाना जाता है, तेलंगाना भर में उर्दू सहाफ़ियों को रिप्रेजेंट करता है, उसके जनरल सेक्रेटरी जनाब सैयद गौस मोहिउद्दीन भी शामिल थे। इसके अलावा तेलंगाना के मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े चंद पॉलिटिशियंस ने शख्सी तौर पर शख्सी कैपेसिटी में जर्नलिस्ट हजरात से इजहार यगांगियत के लिए शिरकत की, जिनमें BJP के सुधाकर रेड्डी और कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी और तेलंगाना जनशक्ति के कोदंडाराम भी शामिल हैं। ये भूख हड़ताल किस लिए की गई और इसके क्या मकासद व गवायत हैं और क्या इससे कुछ हासिल हो सकता है, इन सब को जानने के लिए हमने तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी जनाब K विराहत अली से बात की। देखते हैं हमारी इस गुफ्तगू। नाज़रीन, तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, जो साबिक में आंध्र प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट हुआ करता था अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ उसके बाद तेलंगाना फॉर्मेशन हुआ, उसको 6 साल हो गए हैं। मगर ये महसूस किया जा रहा है सहाफ़ती बिरादरी की जानिब से कि सहाफ़त को और सहाफ़ियों को यकसर नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसको एड्रेस करने के लिए तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने आज एक रोज़ा भूख हड़ताल की है। तो भूख हड़ताल क्यों की गई है और इसका जो है क्या नतीजा निकल सकता है, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी जनाब ख्वाजा विराहत अली साहब से। सर, आपका खैर मकदम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको BBN न्यूज़ चैनल शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि आज जर्नलिस्टों के तकलीफ़ों पे हम जो एजिटेशन किए, वो एजिटेशन को आज आपके मीडिया से पब्लिक में ले जा रहे हैं। आज का
एजिटेशन इसलिए रहा, आप बताए जैसा, जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से डिवाइड नहीं हुआ, जब यूनाइटेड स्टेट में था एपी आंध्र प्रदेश, तब जर्नलिस्टों को तकलीफ़ें कम दिखे हमको। जो तेलंगाना डिवाइड हो गए बाद हमारे तकलीफ़ें पूरे चले जाएंगे बोल के यहाँ के 20,000 जर्नलिस्ट खाबा देखे। जर्नलिस्ट नहीं, मामूल जर्नलिस्ट फार्मर्स देखे, स्टूडेंट्स देखे, मामूल आम आदमी देखे, तेलंगाना डिवाइड होने से हमारे को बहुत फ़ायदा होने वाला है। उसमें जर्नलिस्ट भी बहुत खाबा देखे, वो खाबा देख के ही ये जो तेलंगाना एजुटेशन में इतना रोल था जर्नलिस्टों का, वो अपने जान को कुर्बान भी किए यहाँ पे, वो भी हिस्ट्री है। जर्नलिस्ट सुनील कुमार वरंगल में उनकी जान को भी कुर्बान किए, और वरंगल यूनिवर्सिटी आप देखें, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में लाठियाँ, पीठों पे लाठियाँ के पूरे खून के धब्बे रिपोर्टरों के, और केसा ऐसा बहुत, क्योंकि हमारे कुर्बान से तेलंगाना के जर्नलिस्टों को फ़ायदा होगा बोल के बहुत जो जर्नलिस्ट एजिटेशन में पार्टिसिपेट किए, डिबेट हो गया स्टेट। लेकिन ये 6 साल में हम ये ऑब्जर्व किए, जर्नलिस्टों के प्रॉब्लम्स कहाँ के वहाँ छे, एक प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो रहा, और नए नए प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा जर्नलिस्टों को, स्पेशली स्मॉल मीडिया पेपर्स और स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन लोगों को पूरा खुंदलने चले गया। यहाँ पे नए नए जीओल आ रही, तकलीफ़ें दे रही, आखिरी में एक अक्रेडिटेशन भी वो लेने के पोजीशन में, उन लोगों को देने के पोजीशन में आज यहाँ की हुकूमत नहीं है। ये बड़ी अफसोस की बात है ये। इसलिए हम पूरे एक तरफ से प्रॉब्लमों से जर्नलिस्ट सफ़र हो रही, दूसरी तरफ से एक करोना उन पर ऐसा अटैक किया जैसे उनके जान निकालने को भी पीछे नहीं हट रहा करोना, और वैसी ही उनकी फैमिलीज को असल एक टेंशन्स में ला ले रहा है करोना, जर्नलिस्ट को उनकी फैमिलीज को वैसी ज़िंदगी गुजारना पड़ रहा है करोना क्राइसिस में जर्नलिस्ट। तो हम एक ही पहले से भी हुकूमत से जो करोना इफेक्ट स्टार्ट हुआ, जब से हम एक ही हुकूमत से बोल रही कि जर्नलिस्टों पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा करिए, क्योंकि एक जर्नलिस्ट को करोना अटैक हुआ तो वो पूरा कम्युनिटी स्प्रेड होने को चांस रहता। एक जर्नलिस्ट ऑन ड्यूटी उन्हें कहाँ भी जा सकते, कहाँ भी कर सकते, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ इनको ब्रेक करिए, वो उससे थोड़ा अपन रोक सकते। दूसरी बात, जर्नलिस्टों को जो ड्यूटी पे उन लोगों को जाते रहते, उन लोगों का हड़ावड़ी रहता, बीट्स है, आप लोग पब्लिक में जाते हो, कहाँ बोलता हूँ कवरेज को जाते, उन लोगों को थोड़े प्रिकॉशंस के लिए थोड़े अरेंजमेंट्स करिए बोल के भी हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किए, यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से। वैसे पीपी किट्स दीजिए, ग्लोवजेस, सैनिटाइजरीज, मास्क का, ये सब आप लोग देना जिम्मेदारी है गवर्नमेंट बोले, मगर रिस्पांस असल रिस्पांस नहीं है अभी, इग्नोर। जैसा आम आदमी को, जैसा लाते कामन आदमी को ले रही, ला रही, गांधी में डाल रही। आप देखें हाल हाल एक नौजवान जर्नलिस्ट मनोज कुमार का इंतकाल भी हो गया कोरोना से, वहाँ पे वो गांधी में जो ट्रीटमेंट में हुआ सो केयरलेस से एक जान भी चले गई। तो हम ये सरकार से, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से, इधर स्टेट गवर्नमेंट से हम एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डिमांड भी कर रहे हैं, जो आप फ्रंटलाइन वॉरियर्स बोल रहे हैं जर्नलिस्टों को, बहुत उनके सर्विस बहुत अच्छे है, जर्नलिस्ट हीरोज के ऐसा काम कर रहे हैं बोल के हमारी तारीफ कर रहे हैं, और तारीफ कर रहे हैं मगर हमारे आँख के आंसू नहीं पोछ रहे आप, वो अफसोस की बात है। आज वॉरियर्स बोले तो फिर आप डॉक्टर्स को आपके स्कीम जो करोना के बेनिफिट्स दे रहे हैं, डॉक्टर्स को दे रहे हैं, पैरामेडिकल को दे रहे हैं, और पुलिस को दे रहे हैं, और ये जो सफाई के है लोग श्रमिक, उन लोगों को दे रहे हैं, फिर जर्नलिस्ट क्या गलती करे, वो लिस्ट में जर्नलिस्टों क्यों नहीं रखे। आज आप 50 लाख का जो कोरोना से डेथ हुआ तो ये 5 विंग्स को दे रहे आप इमरजेंसी सर्विस के नीचे, फिर इमरजेंसी सर्विस जर्नलिस्ट भी कर रही, फिर वो 50 लाख का इंश्योरेंस जर्नलिस्ट को क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। इसलिए हम वही डिमांड से हम एजुटेशन को स्टार्ट किए स्टेट में। 2 दिन पहले हम गवर्नर तमिलिसई सौंदरराजन को मिले, एक रिप्यूटेशन किए, हमारे रिप्यूटेशन पर उन्होंने बहुत रिएक्ट हुए, इतना असल जर्नलिस्टों को पहले यहाँ पे प्रियॉरिटी देना था, ऐसा कैसा हो रहा।
यहाँ पे असल हम जो मेमोरेंडम में लिखे कि जर्नलिस्टों को गांधी नहीं चाहिए, गांधी तो हमारे लिए वो मारने के लिए एक मुकाम है, वो गांधी नहीं चाहिए, हमको एक स्पेशल हॉस्पिटल अरेंज कीजिए जर्नलिस्टों के लिए, बोल के हम उनको अपील किए, तो वो इमीडिएटली मैं गवर्नमेंट को इस बारे में मैं लेटर लिखूंगी बोल के वो प्रॉमिस किए। जितना रिस्पांस गवर्नमेंट में गवर्नर में दिखा हमको, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब में नहीं दिख रहा। बहुत अफसोस की गमगीन की बात है ये, इतना जर्नलिस्ट ना बोल रहे हैं उनके तरफ से, कभी रोज़ और न्यूज़ ना लिखते हो जर्नलिस्ट ये अच्छा लिखे वो लिखे ये बोल के वो तारीफ़ कर रही, लेकिन आप जर्नलिस्टों पर हर वेलफेयर सर, ये बीच में आप 2 महीने पहले एडवोकेट्स को 25 करोड़ रुपए दिए, उनको कोरोना में बेनिफिट कुछ हेल्प करने के लिए कोरोना फंड के नीचे 25 करोड़ दिए, फिर जर्नलिस्टों को क्या है, जर्नलिस्टों को कहाँ है, एक स्पेशल फंड है यहाँ पे, नहीं है स्पेशल फंड। आज क्या कि वो वेलफेयर फंड से एक 20,000 रुपये ऐसा दे रही, 20,000 किधर है? एक जर्नलिस्ट एक 15 दिन एक हॉस्पिटल में गया तो उसकी फैमिली कौन जिम्मेदार होना, उनकी भूख को कौन निकल दे करना मिटाने के लिए, कौन भी मिटाएंगे, और 20,000 रुपये से उन्हें कितने दिन जिएंगे, उनका हॉस्पिटल में दवाएं उनको खर्चा नहीं है, वो बाहर से दवा ला लिए तो कुछ करें तो प्रोटीन वो खाए तो वो खर्चा नहीं है, फिर उनके फैमिली के क्या होना, घरों के किराए कौन बनना, यू नो जब क्वारंटाइन में चले आ रहे, आइसोलेशन में चले आ रहे जर्नलिस्ट, हाँ वहाँ पे एक तरफ से मैनेजमेंट का फोर्स क्या बोलते हैं, इन्हें ड्यूटी नहीं आ रहा ना निकाल दो, यही मौके में मौका मैनेजमेंट्स भी जर्नलिस्ट पे उनका निकाल देने के लिए एक मौका अच्छा मिला कोरोना का मैनेजमेंट्स को, पेपर वालों को और टीवी चैनल वालों को, और क्या कर रही जर्नलिस्टों को करोना तो ऐसा कर रही, करोना नहीं आए तो भी ये करोना से हमारे को बहुत तकलीफ़ है, एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रही, पूरे हम लोग लॉस में है, आप लोगों की तनख्वाहें कम कर देते, तनख्वाह में कटिंग कर रही, वैसा ऑल मीडिया बहुत मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में अपन देख रहे हैं, बड़े बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं उसमें भी ये सिस्टम चल रहा, फिर ऐसे हालात ये स्टेट में है तो चीफ मिनिस्टर साहब क्यों रिएक्ट नहीं हो रहे हैं, फिर मैनेजमेंट्स को उन्होंने बोल सकते ये अच्छी बात नहीं है, ना तो मैनेजमेंट्स को पेपरों को यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस टीवी चैनल्स को बचा लेने के लिए थोड़े INPR थोड़े एडवर्टाइजमेंट दो, अब ना क्या बोल रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट सिंगल NP नहीं दे रहा, दूसरे स्टेट्स में मीडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स थोड़ा बजट को स्पेशली अलर्ट किए, लेकिन यहाँ पे एक पैसा भी नहीं है, एक हम लोग कैसे चलाते पेपर्स बोल के, अब चैनल्स कैसे चलाते बोल के वो मैनेजमेंट्स बोल रही, फिर उन लोग कुछ लॉकआउट करे या हाथ उठा दिए तो उनका कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे लास्ट में कौन लॉस हो रही, फिर जर्नलिस्ट के फैमिली चले आ रही, थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज आज डिपेंड है मीडिया इंडस्ट्री में तेलंगाना में, फिर लोगों को कौन देना जिम्मेदारी, इसलिए आपकी जिम्मेदारी ये पब्लिक पे कितनी है कि दूसरे दूसरे प्रोफेशनल्स पे आप कितना इंटरेस्ट कर रहे हैं कि डॉक्टर्स पे पुलिस पे वगैरह, हम भी ये कि आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि जर्नलिस्टों पे वही नज़र लगाओ, जर्नलिस्ट के वेलफेयर भी एक बार सोचिए, बोल रहे हम गवर्नर को दिए और हेल्थ मिनिस्टर इटला राजेंद्र जी से भी मिले, उनको बोले तो मैं CM के नोटिस में रखता हूँ बोलते, उनसे उनके हाथ में तो कुछ नहीं रहेगा, मिनिस्टर लेवल उन तो कुछ नहीं कर सकेंगे, ऐसा बेजार हो गया हमारे को भी एक तरफ से, अब वो बेजार से बाहर आके आज भूख हड़ताल करना चाहे, आज हम हैदराबाद हेडक्वार्टर में भूख हड़ताल किए, और ये भूख हड़ताल से ही हमारा पूरा मसला सालों हो जाएगा बोल के हम नहीं समझ रहे, किसी हाल एक पार्ट है ये भूख हड़ताल का, एक पार्ट है, इसके बाद हम जरूरत है तो गवर्नमेंट वैसा भी नहीं आई, गवर्नमेंट वैसा भी आंख नहीं खोली, तो हम तो आखिरी में क्या अपना मांग लेके या वहाँ भीख मांग कर जर्नलिस्टों के वेलफेयर फंड को हम मोबिलाइज करने को भी पीछे नहीं हटेंगी हमारी यूनियन, ये जर्नलिस्टों को बचा लेने के लिए हम भीख मांगने को पीछे नहीं कदम पीछे नहीं डालेंगे, ये भी हम करने को रेडी है, और 8 दिन के अंदर इन फ्यूचर में हम क्या करना चाह रहे हैं फ्यूचर प्लान को भी हम अनाउंस करने वाले हैं जी। ये जो आप एक्सट्रीम स्टेप उठाने की बात कर रहे हैं, इससे पहले ये बेहतर होगा कि हुकूमत से अपना हक तलब करने की भरपूर कोशिश करें, और एक बात आपने ये बताई कि जर्नलिस्टों की तारीफ होती है मगर जो है खातिर खा उनका वेलफेयर का काम नहीं हो रहा है, बल्कि मेरा तो देखना यह है कि कई जगहों पर कोविड वॉरियर्स के नाम पर डॉक्टर्स का नाम लिया जाता है, पुलिस डिपार्टमेंट का नाम लिया जाता है, जर्नलिस्ट का नाम नहीं लिया जाता है, बहुत सारी जगहों पर मैंने ऐसा देखा है कि जर्नलिस्ट को कोविड वॉरियर के तौर पर देखा ही नहीं जा रहा। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करें तो अपने तेलंगाना स्टेट में जब कोरोना का इफेक्ट स्टार्ट हुआ तब मीडिया पे भी जैसे मामूल पब्लिक पे जो उन लोगों पर इंस्ट्रक्शंस लगाए थे कोरोना के, मीडिया पे भी पुलिस लगाने के लिए कोशिश की थी, लगाई
मीडिया को वहाँ वहाँ थोड़े मसले भी दिखे अपने यहाँ पर उन लोगों को करने के लिए, लेकिन जब उस टाइम में एक प्रेस मीट में केसीआर साहब ये बताए जर्नलिस्टों पे वैसे जुलूम मत करिए, जर्नलिस्टों को फ्री छोड़िए, वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के नीचे है, बोल के उन्होंने वर्ड बोले इमरजेंसी डिपार्टमेंट बोल के, फिर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है तो फिर वेलफेयर क्यों याद नहीं आ रहा आपको, बोल के हम वैसा आज बोल रही, तो हमारे को ऐसा दिख रहा कि वो बातें करके फिर इधर वेलफेयर नहीं है, तो मुँह से तारीफ है पिशानी से चुड़ाना चल रहा, जर्नलिस्ट की ज़िंदगी वैसी हो गई, मुँह से तारीफ कर रहे पिशानी से चुड़ाना। मुझे वो अकबरुद्दीन अवैसी साहब की बात याद आ रही है जो असेंबली में उन्होंने कही थी कि तूने मेरे कानों को खुश किया, मैंने तेरे कानों को खुश किया, तो ये खाली कानों को खुश करने का सिलसिला कब तक चलेगा और ऐसा हो क्यों रहा है? उतना ही है, आप अच्छे रहे हमारे तरफ है नजराना, आपको नजराना होता जो भी करें हमको वहुआ वहुआ बोलो, नजराना लो, नहीं हमारे पे कोई आप हमारे को कोई हमारे पे नेगेटिव बात करे आपको जुर्माना होता, वैसी हालात ये स्टेट में है। हम तो ये 20,000 जर्नलिस्टों के एक वॉइस तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट रहेंगी, डेफिनेटली हम फाइट करेंगे जर्नलिस्टों को, जब तक इंसाफ होगा तब तक हमारा एजिटेशन रुकेगा नहीं, 100% हम वो भरोसे 20,000 जर्नलिस्टों को भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे एक भरोसा है, वो भरोसे को हम पूरा करेंगे, डेफिनेटली हम हमारे जो भी राइट्स है, अब अभी तक ही हम मामूल जर्नलिस्टों के मामूल प्रॉब्लम से हम फाइट कर रहे हैं, गली से लेके दिल्ली तक हमारी वॉइस लग गए, पहली बार एक स्टेट यूनियन दिल्ली में जंतर मंतर करने जाके ये हमारे तकलीफ़ा है हमारे को बचाओ बोल के वॉइस करना मूवमेंट करना, वो तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट को मिला, वैसे हालात से हम लड़ रही, घर मकान चाहिए, घर प्लेस चाहिए, घर की ज़मीन चाहिए जर्नलिस्ट लोगों को, घरा देते बोले आप घरा कहाँ गए आपके 6 साल में, और जो भी वेलफेयर है आज इतना बुरा, इतना दुख की बात यह है कि चीफ मिनिस्टर साहब एम्प्लॉयज़ के साथ ही साथ जर्नलिस्टों को भी जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम लेके आए, हम बहुत तारीफ करें उनकी, इंडिया में कोसी स्टेट में भी कोसी हुकूमत नहीं लाई जर्नलिस्टों के लिए हेल्थ स्कीम लेके आए एम्प्लॉयज़ के बराबर, और वो भी 1 रुपया बनने की ज़रूरत नहीं है, फ्री इम्प्लीमेंटेशन करे, वो कितने दिन चला स्कीम बराबर 2.5 साल स्कीम सक्सेसफुल करे, हम भी पूरा तारीफ करें दूसरे स्टेटों में, लास्ट में हमें क्या मिला बोले तो आज कार्ड पकड़ ले गए तो गर्दन पकड़ के बाहर निकालने की नौबत आ गई स्टेट में, कोई सा दवाखाना भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बहुत काड़ा है। बीच में मेरे को कोरोना के ये पीरियड 3 महीने में मामूल कैसा कोरोना के पॉजिटिव नहीं होते, मामूल एक हार्ट स्ट्रोक्स और किडनी फेलूर केसेस लंग्स के ऐसे कैसा मेरे पास बहुत आ रहे, हमारा कार्ड नहीं चल रहा। एक एग्जांपल बताऊंगा मैं, यहाँ पे एक उर्दू जर्नलिस्ट खैसर, उनको हम हेल्थ कार्ड पे अब उनको एक डायलिसिस कराते हुए आ रहे हैं कंटिन्यूली 1.5 ईयर से, हेल्थ कार्ड उनको रिजेक्ट कर दिया नहीं करते बोले, अब उनको क्रिटिकल स्टेज है उनका, हम लास्ट में 16,000 रखो हफ्ता हफ्ता हम ट्रीटमेंट करेंगे बोल के बोले, हेल्थ कार्ड तो नहीं करेंगे बोल के हाथ उठा दिए सोमाजीगुड़ा यशोदा हॉस्पिटल में, हम इस बारे में भी मैं 2 दिन पहले हेल्थ मिनिस्टर को मिला, ये क्या है हेल्थ कार्ड का, हेल्थ कार्ड चलो नहीं तो नहीं मेरे एक एक जीना या मरना वो सिचुएशन में वो पोजीशन कैंडिडेट का है, आप ऐसा कैसा करते बोले हम जाके रिपेयर नहीं करते तो, जब उन्होंने पर्सनल केयर करके वैसा उनको वो मैं करा तो मेरे को जिम्मेदारी में छोड़ दो वो मेरी जिम्मेदारी बोल के वो मेरे को प्रॉमिस किए करा, मैं कितने जनों को बोलकर बात कर हेल्थ मिनिस्टर को मिलूंगा बोलिए, हज़ारों कार्डा इशू है आज एक्रेडेशंस स्टेट में मोर देन 18-19,000 एक्रेडेशंस कार्ड दिए उन सबको हेल्थ कार्ड है, फिर कैसा फिर उन लोगों को कौन देना भरोसा, तो आज आप क्या किए ऐसा लगाए बताए हमारे को बहुत सुनगाए वो स्कीम निकाल दिए, घरों मकाना मैं 1 साल के अंदर पूरा मसला ही ख़त्म कर दूँ बोले वो चले गया, असल वो तकलीफों से हम बाहर नहीं आए, हमारे को कोरोना की परेशानी आ गई, कोरोना की परेशानी में और बहुत परेशानियाँ जिसको ये बोलता आज ये फील्ड में सिर्फ जर्नलिस्टों को जितने परेशानियाँ हैं, काम नहीं करे तो नौकरी का गारंटी नहीं है, काम करे तो जान का गारंटी नहीं है, ये सिचुएशन में आज जर्नलिस्टों की ज़िंदगी चल रही, आपको भी गवर्नमेंट ये आज हमारा प्रोग्राम हुआ भूख हड़ताल का उससे तो भी आँख खोलकर
जो प्रॉब्लम्स को इधर कोरोना से जर्नलिस्टों को बचाइए, उनके वेलफेयर के लिए कुछ सोचिए, बल्कि हम तेलंगाना स्टेट चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि जर्नलिज्म फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी है, इतना अहम किरदार रहता है जर्नलिज्म का एक डेमोक्रेसी को बचाए रखने में और डेमोक्रेसी के आइडियल्स को आगे बढ़ाने में, और फिर तेलंगाना का एजिटेशन हुआ उसमें भी सहाफ़त ने भरपूर साथ दिया। इतना सब होने के बावजूद, हक़ रखने के बावजूद, वादे करके वादों से मुकर जाना या वादों को भूल जाना, ऐसा हो क्यों रहा है? डेमोक्रेसी की बात अब नहीं रही, वो एक ज़माने की बात थी। डेमोक्रेसी, मीडिया फोर्थ पिलर, मीडिया फोर्थ स्टेट, एक रेस्पेक्ट मीडिया को, अब नहीं रहा। क्यों नहीं रहा बोल के क्वेश्चन भी आ रहा। इससे पहले वो था, क्यों अब इज्जत, एक वो रेस्पेक्ट, एक डर था, वो क्यों नहीं है आज? बिकॉज ऑफ पॉलिटिशियंस के हाथ में मीडिया चले गया, पॉलिटिशियंस के जेब में मीडिया चले गया, तब यही सिचुएशंस रहेगा। डेमोक्रेसी वर्ड यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। वो सिचुएशन तेलंगाना में है। मेन मीडिया स्ट्रीम को फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोग अपने जेब में रख लिए, खरीद लिए, उनके ओन कर लिए मीडियाज़ को, तब मीडियाज हमारे है, कौन क्या करते छोटे मोटे मीडिया बोल के, वो एक जुल्म चल रहा है यहाँ पे। आप ऑब्जर्व करिए, वही जुल्म उनको, वही क्या बोलते हैं, हम पूरा मेन मीडिया हमारे पास ही है, वो रहे तो अब डेमोक्रेसी कैसा रहा, अनडेमोक्रेसी नहीं तो। और उन्होंने कई को उनके वादे को पूरे करेंगे, उनके साथ में मीडिया है, उनके मेन पावर है, अब कौन पूछने वाला? अब मैं कॉल करा, आज एजिटेशन किया, एक दो एक तीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल से, एक दो पेपर प्रिंट मीडिया से, एक रिप्रेजेंटेशन भी नहीं आ सका। वो पूरे मेरे साथी थे वहाँ पे, 1000 के ऊपर 2000-1500 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आज एक भी नहीं आया एजिटेशन को। मैं कोसा भी काल के, तो वही है गवर्नमेंट को, वही उनका वो है, बोले ऐसा में कंपलसरी हमारा मीडिया हमारा को रहता, हमारा वकील कुछ भी कर लेंगे, क्या भी कर लेंगे, हम क्या हमारे को वास्ता बोल के, एक वो ही बोल रहा उनको, ये अच्छी बात नहीं, ये कब को भी नहीं रहता ऐसा। बहुत कुछ देखे इंदिरा गांधी इमरजेंसी में, इससे ज़्यादा भी करे इमरजेंसी पीरियड में, और लास्ट में पब्लिक साइलेंट रेवोल्यूशन लाएंगे, साइलेंट जर्नलिस्टों में साइलेंट रेवोल्यूशन आना 100% है वो। बहुत ही अफसोस की बात है, जैसा कि आपने बताया कि आपने इशारा किया कि गोदी मीडिया की वजह से यह सारा हो रहा है, दूसरे मीडिया वालों को उनका हक़ जो है नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को कोई थ्रेट नहीं है। अगर ऐसी सूरत हाल रही तो हम अपनी मुतालबात कैसे मनवा पाएंगे? एक ही मैं यहाँ की मीडिया से, मेरे साथियों से मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को एक आर्नेशन में एक नौकरी, एक गारंटी की नौकरी नहीं है। मैनेजमेंट को गुस्सा आए तो भी आपकी नौकरी को गारंटी नहीं है, आपको गुस्सा आए तो भी आपकी नौकरी को गारंटी नहीं है। इसलिए ये टेम्पररी नौकरी बोलते हम, अपन छीके तो जाने की नौकरी, खांसे तो बाहर गिरने की नौकरी अपनी, बस ज़िंदगी वैसी है जर्नलिस्टों की आज। इसलिए वो नौकरी की, वो टेम्पररी नौकरी के वास्ते अपन सरेंडर होके क्या की होता बोल के नहीं, कबू कभी को भी रेवोल्यूशन से, आप पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़िए, कोसा भी एक रेवोल्यूशन से, एक मूवमेंट से ही अपन अपने हक को अपन उसको सालू कर ले सकते। लेकिन मेरे को आर्नेशन में क्या बोलते कि बोल के वैसा नहीं, अपन सब जर्नलिस्टों में एक रेवोल्यूशन का अवेयरनेस आना, सब जर्नलिस्ट फाइट करने के लिए रोड पे जब आएंगे तब ऐसे तकलीफा नहीं रहेंगे, ऐसे गवर्नमेंट भी ऐसा अपने पर अपने पास ऐसा जुलूम नहीं करेंगे। डेफिनेटली अपन सब मिलके एक यूनिटी से इस प्रॉब्लम्स को फाइट कर सकते, अपन उसको सॉल्व कर ले सकते बोल के तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट कॉल कर रही हूँ उन लोगों को। सर, अपना यूनियन को मजबूत बनाने के लिए अपनी तरफ से क्या क्या कदम उठाया जा सकता है? यूनियन को मजबूत बनाने के लिए हम एक ही करना चाह रहे हैं, जब यूनियन दिल से डेमोक्रेसी एंगल में रियल जो काम करती यूनियन, उनको 100% वो यूनियन कभी भी स्ट्रांग रहती। आज 60 साल से आंध्र प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट जब वो यूनाइटेड स्टेट में था, वो काम वो किया, वो काम करने से आज बाइफर्केशन के बाद भी वही फोर्स आज तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट में आए। ये हमारी जिम्मेदारी बड़ी, हम क्या करें, अब हर जर्नलिस्टों के तकलीफ में उनके आंसू पहुंचने के लिए हम कभी भी पीछे कदम नहीं डाले, हमारा काम ही वही रहा। अब कोरोना में सब जने, इवन हमार को भी फोर्स आ रहा, आप क्यों बाहर जा रहे हैं, आपको थ्रेट रहता, अच्छा नहीं है माहौल, अच्छा नहीं है बाहर, हालात अच्छे नहीं है, आप क्यों जा रहे हैं,
लेकिन मैं मेरी एक की जान देखूँ, मेरे साथी हज़ार लोगों की जान देखना बोल के एक यूनियन ट्रेड यूनियन के एक्टिविस्ट में जितना वो रहना चाहिए वो प्रेशर मेरे पे है, वो एक करना बोल के एक ट्रेड यूनियन एक्टिविज़म मेरे पे है। इसलिए ये करोना को भी मैं केयर नहीं करके, करोना में भी जर्नलिस्टों के कितने तकलीफ आए, एक एरिया में 5 जर्नलिस्टों पे रात रात केस आ लगाए, तो मैं उत्ते करोना बीच में भी मैं आके डीजीपी से मिलके वो केसों को निकाले तक अपन हम एजिटेशन किए। उससे पहले एक जर्नलिस्ट ड्यूटी कर लेके सीनियर जर्नलिस्ट अच्छे रिस्पांसिबिलिटी में है सो मेन पेपर में, वो घर को जाते रहे तो एक ऐसे ही रोक के उनके हाथ चला दे, उन पर हाथ उठाए, वो एक इशू हुआ तो फिर उस पर भी डीजीपी जाके अपालाजी बोलने लगा है उन पर। तो ये मैं कई को बता रहा हूँ आपको बोलते एग्जाम्पल्स, जैसा हम दिल भर दिल से काम करते ना तब ये यूनियन स्ट्रांग होता। डेफिनेटली हम डिस्ट्रिक्टों में फिर रही ये अवेयरनेस ला रहे हैं जर्नलिस्टों में यूनिटी बढ़ाने के लिए, यूनिटी बढ़ गई तब आर नेशन घट होता, हमारा आर नेशन घट हुआ तो जब हम सरकार पे जैसा बोलता वैसा फाइट कर सकते, उठ बैठ भी हम सरकार को करा सकते थे, वो आंध्र प्रदेश में हम कराए जब यूनिटी था वैसा। अब ये गवर्नमेंट आके और एक भी काम क्या कर रही, जर्नलिस्टों में डिवाइडिंग पॉलिसी भी लाकर यूनियनों को भी थोड़े प्रमोट करते हुए वो एक पॉलिसी भी यहाँ पे चल रहा। लेकिन जर्नलिस्ट असल चीज़ कहाँ है, असल दिल से कौन काम कर रहे, यहाँ के स्टेट के जर्नलिस्ट देख रहे हैं, वो देखने की वजह से ही आज ये स्टेट में 20,000 जर्नलिस्ट रहे तो 14,200 मेंबरशिप आज तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट में है। एक मंडल लेवल रिपोर्टर से पेपर में एडिटर तक, चैनल में सीईओ तक आज हमारे पास मेंबरशिप लेके हुए हैं। इसी ये सिर्फ एक भरोसा है आर नेशन पे। भरोसा लाने के लिए हम रात दिन काम करेंगे और ये पूरी यूनिटी और बढ़ा के स्ट्रांग करेंगे यूनियन को, वो हमारा एम है। जैसा कि आपने बताया कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आता है तो आप आधी रात को भी निकल कर जाते हैं, ये आपका कहना तो अलग है, मैंने खुद भी देखा है, तब भी देखा था और अब भी देख रहा हूँ कि काफ़ी आप जो है जुस्तजू और लगन से काम करते हैं। मगर जैसा कि आपने खुद बताया कि एक आदमी कितना करेगा, तो उसके लिए सिस्टम को बेहतर होना चाहिए, सिस्टम को बेहतर बनाना चाहिए। तो क्या नई रियासत के नए तकाज़ों को पूरा करने में कहीं कोई कमी रह गई यूनियन की जानिब से? कुछ नहीं है, लेकिन अब एक आप मैं अभी बताया आपको, इसको आर नेशन में इस जो हम एंटीवायरस जा रही, जो उनको जय बोल के उनके पीछे जा रही, जिंदाबाद बोल के जो उनके पीछे जा रही, उनको नजराना देते हुए ले रही, जो हम कोई ऐसा हकीकत में जो बात हम बता रही, एक दुश्मनी हमारे से ले लिए, तो ये हमारी एंटी यूनियन है बोल के वो वॉइस लाकर हमारे को डिवाइड करने के लिए एक गवर्नमेंट ट्राई की, कर रही भी वो काम लेकिन सक्सेस नहीं हुई, सक्सेस नहीं हुई। लेकिन आप बोले ऐसा आदमियों पे एक कैंडिडेट्स पे नहीं होके आर नेशन को बहुत स्ट्रांग अभी बढ़ाना है, वो बढ़ाने के लिए हम डिस्ट्रिक्ट्स में ओरिएंटेशन क्लासेस लगा रहे हैं, एक लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ाने के लिए हम उस पर भी हमारा यूनियन नज़र रखा, वो ओरिएंटेशन क्लासेस चल रहे हैं, रीजनल वाइज कॉन्फ्रेंस लगा के भी एक लीडरशिप ग्राउंड से बनाते बनाते हम यूनियन को स्ट्रांग करने के लिए वो एक्सरसाइज भी सीरियस चल रहा है यूनियन में, वो इंटरनल एक्सरसाइज है, हम बाहर बताने की बात नहीं है। और डेफिनेटली वो आर्नेस बढ़ेगा, हज़ारों लोग लीडरशिप इस यूनियन में ज़रूर आएंगे 100%। ये जो दौरे हाजिर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर कोई यूज़ कर रहा है, मगर देखा यह जा रहा है कि यहाँ पर उतना काम टेक्नोलॉजी पर नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल और सहाफ़ियों को जो जो मेंबर्स हैं उनको पीरियोडिकली अपडेट करना ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज़, ऑर्गेनाइजेशन के प्लान के ताल्लुक से, तो क्या आप न्यू मीडिया या सोशल मीडिया के इस्तेमाल को बढ़ाने की या शुरू करने की कोशिश करेंगे? 100% अब उसकी ज़रूरत भी है, 100% उस पर हम नज़र भी लगाए। ये बीच में मैं कोरोना आया नहीं तो मेंबरशिप भी हम ऑनलाइन से ही शुरू करें, इससे पहले किताबा लग जाके लिखा के नाम वो स्लिप दे के स्लिप लाने का सिस्टम था, हम अब आपके सिस्टम पूरा हम चेंज करके मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी को हम भी यूज़ करने के लिए ऑनलाइन मेंबरशिप को हम फॉर्मेट बनाए, वो भी रिलीज़ करने वाले। और दूसरी बात है कि हम एक वेबसाइट भी ये बीच में रिलीज़ किए, वो वेबसाइट को भी डेवलप कर रही साइट को, और हर रिपोर्टर को ऑल लैंग्वेजेस रिपोर्टर के लिए वो कैसा डेवलप करना, हर इंफॉर्मेशन उनको कैसे जाने के लिए वो वेबसाइट को, वो साइट को डेवलप करने के लिए भी हम एक सोशल मीडिया कैंपेन कमिटी बोल के ये बीच में TUWJ एक स्पेशल कमिटी भी लगाए, हम एक कमिटी उसके लिए स्पेशली फॉर्म किए,
ये कोरोना आने से वो काम थोड़े रुके हुए ब्रेक हुए, इंशाल्लाह ये कोरोना हो गए बाद वो काम फुलफिल करेंगे और जितना स्पीड में हम यहाँ के जो भी एक्टिविटीज़ हो और हर मेंबर को प्राइमरी मेंबर को भी उनको इमीडिएटली में सेकंड्स में उनके नज़र में जाने के लिए भी हम 100% कोशिश करेंगे डेफिनेटली। सर चूँकि मैं उर्दू मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ और उर्दू जर्नलिस्ट यूनियन फेडरेशन का जो है मैं कार्यकर्ता भी हूँ, तो उसके तहत मैं ये कहना चाहूँगा कि तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने उर्दू को सेकंड स्टेट लैंग्वेज डिक्लेयर किया है, मगर कोई मिनिस्टर भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उर्दू का इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा क्यों है? आज सिर्फ रिकॉर्ड्स में यही सेकंड लैंग्वेज है, लेकिन उसका इफेक्ट तो कहीं भी नहीं दिख रहा मेरे को भी। मैं हर डिस्ट्रिक्टों में फिर रहा हूँ, एक बोर्ड भी नहीं लिखा सक रहे हैं एक उर्दू में ऑफिसर्स के पास, थोड़े बहुत डिस्ट्रिक्टों में थोड़े डिपार्टमेंट ना बोर्ड भी नहीं है, उर्दू में लेटर्स भी नहीं लिख रहे, सेकंड लैंग्वेज बोल रहे हैं, कौन से लैंग्वेज आके दिख रहे हैं, मगर सेकंड लैंग्वेज तो कहीं भी नहीं दिख रहा। ये बहुत अफसोस की बात, ये भी कानों को खुश करने वाली बात हुई। तो एक्चुअली क्या चीफ मिनिस्टर साहब सीरियस नहीं है या लोअर रैंक के ऑफिसर्स इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे? इम्प्लीमेंटेशन बोल तो चीफ मिनिस्टर साहब जो उनको इंटरेस्ट है सो चीज़ों को कितना पॉपुलरिटी कर रहे हैं, उन्हें चाहे तो क्यों नहीं कर सकते। एक तेलुगु वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस लगाए थे यहाँ पे, कितना बड़ा कॉन्फ्रेंस इंडिया में कोई एक सिंगल रीजनल लैंग्वेज का उतना बड़ा कॉन्फ्रेंस कहीं नहीं चला। उतना बड़ा कॉन्फ्रेंस उनको इंटरेस्ट था लगा सके ना, एक लैंग्वेज पे चलाना। और वैसे ही स्कीमों पे उनको इंटरेस्ट है, सो स्कीमों पे कितना पॉपुलरिटी से कितना उठा सक रहे उन्होंने उनकी उनके इंटरेस्ट के कामों पे। अब फिर उर्दू हर बात में, असल तेलंगाना एजुकेशन में भी उर्दू को कितना इस्तेमाल किए लोग, वो ज़बान को उर्दू के कितना इस्तेमाल किए, कितना उससे भी अट्रैक्ट हुए उन्हों उर्दू के ज़बान से, फिर वो सब भूल गए तो कैसा। खाली अनाउंसमेंट से खुश करना वो करेक्ट बात नहीं है। और आप रिक्वेस्ट अपने प्रोफेशन बात कर लिए तो आज उर्दू सेकेंड लैंग्वेज रहता, जब उससे पहले यूनाइटेड स्टेट में अक्रेडेशंस उर्दू रिपोर्टर को मंडल लेवल से भी अक्रेडेशन कार्ड्स थे, आज कॉन्स्टेंस को एक अक्रेडेशन देने की नौबत आई, वो भी मेन पेपरों को, एक दो पेपरों को, वो भी असेंबली सेगमेंट में एक कार्ड। इससे पहले मंडल में जितने भी उर्दू पेपर थे उन लोग देने का था, और हर अक्रेडेशन कमेटी डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट में एक उर्दू रिप्रेजेंटेशन रहता था, आज वो भी नहीं है। उन उर्दू रिपोर्टर पर उर्दू सेकंड लैंग्वेज बोल रहे हैं, एक उर्दू रिप्रेजेंटेशन को जर्नलिस्ट को लगाइए बोल के, मैं कितने रिप्रेजेंटेशन करा मेरे पास बताऊंगा, हमारे पास फाइल उर्दू वालों क्यों नहीं लगाते बोल के हर कमिश्नर को मिल के देना चाह रहा, इवन गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी को भी हम उर्दू को रिप्रेजेंटेशन लगाओ बोले नहीं लगा रहे। अब मालूम हो रहा ना अपने को, वहाँ ही मालूम हो रहा कि अब उन्हें कितना प्रियॉरिटी दे रहे हैं, कितना वो हो रहा, ये अच्छी बात नहीं है। ये सब पर अपने में भी एक अवेयरनेस आना, माइनॉरिटीज़ में भी एक अवेयरनेस आना, अवेयरनेस आके पूछना, पूछ सके सुत्ता अवेयरनेस आना क्यों नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा अपने पास स्टेट में। पब्लिक भी ऐसी हो गए जैसा हुकूमत पे हम क्या तो क्या होता कि बोल के एक वेदर क्रिएट हुआ है, कौन तो कहते पूछना बोले तो भी आगे पीछे कदम डालने की एक नौबत यहाँ पे है पर सिचुएशन, वो अच्छी बात नहीं है। 100% अवेयरनेस रहना, पूछना, अपना जो हक है वो हक को अपन सॉल्व कर लेने के लिए आगे बढ़ने से बात करने का शुक्रिया। चीफ मिनिस्टर साहब को ये गौर करना चाहिए कि उर्दू का इस्तेमाल करके उर्दू की आवाम को इम्प्रेस करके आपने कामयाबी तो हासिल कर ली, मगर कामयाबियां और भी बाकी है आगे। तो अगर आप कामयाबी को यकीनी बनाना चाहते हैं तो उर्दू वालों से और उर्दू से इंसाफ़ कीजिए। और जनरल सेक्रेटरी TUWJ जनाब विराहत साहब ने बहुत प्यारी बात कही कि सहाफ़ियों की मेंबरशिप तो बहुत हुई है, अब अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाना है तो ऑर्गेनाइजेशंस को इसका मेंबर बनाना चाहिए और इस तरफ कोशिश हो रही है। और भी इन्होंने कहा है कि न्यू टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए मेंबर्स को अपडेट किया जाएगा, पीरियडिकली एक्टिविटीज़ की जाएंगी, सबको जो है एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन में बनाने की ये कोशिश जारी रहेगी। कैमरा पर्सन मोहम्मद सलीम के साथ मैं मोहम्मद अमजद अली, BBN न्यूज़ हैदराबाद। जैसा कि विराहत अली साहब ने बताया कि आगे के इनके प्लान्स हैं सहाफ़ियों की मेंबरशिप के अलावा ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबरशिप शामिल की जाएगी, और इन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए यूनियन को मजबूत बनाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो हुकूमतों को अपने मुतालबात को मनवाने में तमाम जर्नलिस्ट को बहुत बड़ी सहूलत होगी, और जिस कसम कुर्सी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं बहुत सारे जर्नलिस्ट, और कई जर्नलिस्ट
वक्त पर तिब्बी इमदाद ना होने की वजह से मौत के घाट चले जा रहे हैं, ये सिलसिला रुक सकता है। ख़ास लम्हात में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।